केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि का दौरा किया। इस बार उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अस्थि कलश के दर्शन किए तथा क्षेत्र में लगी प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर ने उनका स्वागत किया और एक पुस्तक भेंट की। महाराष्ट्र में बौद्ध धार्मिक स्थलों और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित स्थानों के साथ साथ स्मारकों का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज यहाँ नागपुर में बताया कि सभी संबंधित सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के अनुसार विशेष रूप से महाराष्ट्र में बौद्ध धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा और इसके लिए हमने मुंबई में चैत्य भूमि का भी दौरा किया है। रिजिजू ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा से काम कर रही है और उनके दिखाए रास्ते पर चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नागपुर में दीक्षा भूमि का दर्शन हमारे लिए विशेष है और यहाँ हमें प्रेरणा और दंड मिलता है। एक भगवान का दर्शन है, क्योंकि मैं ना सिर्फ एक बौद्ध हूँ बल्कि बचपन से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अनुयायी के हिसाब से हमने अपना जिंदगी शुरू किया है। और इस भूमि में आने के बाद हमारे पूरे भारतवर्ष में आज जो मानचित्र बना है, जो लोगों का दिल में, दिमाग में, हमारे संविधान, सब चीज किस तरीके से हम लोग देश को और आगे ले जाना है, इसका प्रेरणा बाबा साहब से मिलता है। बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बताए हुए रास्ते पे हम हमेशा चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसलिए ये मेरे लिए एक तीर्थ स्थान की तरह तो है, लेकिन एक दीक्षा भूमि में मुझे शिक्षा मिलता है। ये मेरे लिए एक शिक्षा भूमि भी है। यहाँ आकर के अपने जिंदगी का मूल्य को फिर से समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सबको मालूम है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको सबको मालूम होना चाहिए। और मैं देश में एकमात्र कैबिनेट मंत्री है जो बौद्ध है, तो मेरे लिए तो विशेष करके अम्बेडकर जी और पूरा बौद्ध समुदाय का दिल से, गहराइयों से मेरा लगन तो है, मेरा लगाव है, मेरा जुड़ा हुआ है। तो मैं जब भी नागपुर आता हूँ तो यहाँ तो मुझे आना ही है। और पिछले सप्ताह मैं मुंबई गई थे, तो मुंबई में भी चैत्य भूमि में हमने वहाँ के ट्रस्ट लोगों से बात किया और चैत्य भूमि को और खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि लाखों लोग वहाँ आके दर्शन कर सके, उसका भी सहायता करने का हमने निर्णय किया है। हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर में जितना बौद्ध स्थल है उनको भी राशि मदद करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके मुझे कहा है कि आप जितना बौद्ध स्थल है उसको आप थोड़ा सा देखना है, और महाराष्ट्र में विशेष करके पूरे जितने भी बाबा साहेब से जुड़े हुए स्थल हैं और बौद्ध से जुड़े हुए जितने भी यहाँ प्रतिमाएं हैं, स्थल हैं और शिक्षण स्थान है, और जितना भी यहाँ एनजीओ से, सबसे भी तालमेल करके काम करना है। तो हम दिल से सिर्फ बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बल्कि उनके कर्मों को आगे ले जाने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है। तो आज मुझे बाबा साहब का इस दीक्षा भूमि में फिर से नमन करने का मौका मिला है। मैं फिर से बाबा साहब को याद करता हूँ, उसके बताए हुए रास्ते पे आगे चल करके और देश का सेवा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.